सहयोग से हम मांग करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट से उनको फांसी की सजा हो, और एबीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी घटनाओं को रूप दिया जा रहा है। ऐसे कार्यकर्ता जो जोधपुर विश्वविद्यालय में महिलाओं का रेप करते हैं और शोषण करते हैं। अभी हमारे साथ ऋतु बराला, इनसे पूछते हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हो आप, विरोध कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ये? देखिए, आज हम ये विरोध सारा एनएसयूआई प्रदेश के अध्यक्ष हैं अभिषेक चौधरी जी के सानिध्य में एनएसयूआई के पूरे कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऐसे कार्यकर्ता जो जोधपुर विश्वविद्यालय में महिलाओं का रेप करते हैं और शोषण करते हैं और उनका गला घोटने का काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को एबीपी संगठन हमेशा आगे बढ़ाता है। उन कार्यकर्ताओं से हम मांग करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट से उनको फांसी की सजा हो और कड़ी से कड़ी उनकी निंदा की जाए, क्योंकि वो समाज के लिए धब्बा है और विश्वविद्यालय की छात्राओं के लिए वो एक जानवर है। लेकिन परसों भी उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, अभी भी कार्यकर्ताओं ने, छात्राओं ने, छात्रों ने, तो क्या लगता है उनका कहना है कि ये हम ऐसे काम नहीं करते, ये जो गहलोत सरकार है वो थोप रही है? ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ के छात्राओं ने भी बयान दिए हैं और वो घटना भी, उसका वीडियो भी आया है, और एबीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी घटनाओं को रूप दिया जा रहा है, उनकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। हम चाहते हैं उन कार्यकर्ताओं को फांसी की सजा दी जाए। अब आगे का क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आगे का हमारा कार्यक्रम राजभवन का घेराव है, जो हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं के विरोध में किया जा रहा है, ताकि हम उनको फांसी दिला सके और छात्राओं के साथ न्याय कर सके। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।